गाइस आप लोगों ने तो बहुत सारे लाइटरूम की प्रीसेट यूज करा होगा, चाहे वो डीएनजी प्रीसेट की कॉपी पेस्ट वाली हो या एक्सएमपी प्रीसेट की वन क्लिक में एडिट होने वाली हो। लेकिन आज कुछ अलग करेंगे, जैसे कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट्स वगैरह करते हो, वैसे ही आज क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी फोटो को एडिट करेंगे। मतलब मैं आपको कुछ क्यूआर कोड दूंगा, उसे आपको बस डालने हैं और उसके बाद आपकी फोटो एडिट हो जाएगी। तो गाइस ये चीज मस्त है ना, मतलब मोबाइल फोटो इतना ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि भाई हमारी फोटो को जितना जल्दी एडिट कर सकते हैं वो आज के डेट में हो जा रही है। एंड गाइस ये इजी टू यूज, मतलब ये एडिटिंग को कोई भी बड़े ही आसानी से कर सकता है। ओके चलिए देरी किस बात की है, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है टॉप 10 क्यूआर कोड की जिप फाइल को। यहाँ से मैंने डाउनलोड कर रखे हैं पहले से, आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसे अनजिप करना है, अनजिप करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जिप फाइल को प्रेस करके स्टार्ट हियर को प्रेस करना है, यहाँ पे कुछ ही सेकंड में अनजिप हो जाएगी। और ये अनजिप हो जाने के बाद आपको सिंपली फोल्डर को ओपन करना है, मतलब अलग से फोल्डर बन जाएगी, उसे आपको ओपन करना है। अगेन फोल्डर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगी। मतलब ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी फोटो को इस तरह से एडिट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सैंपल के लिए देखने को मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ऐप को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन को प्रेस करना है और अपनी नॉर्मल फोटो को एडिट करने के लिए यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेनी है। मतलब जैसे कि मान के चलो मैं ये फोटो को एडिट करना चाहता हूँ, इस फोटो को मैंने ऐड करा, यहाँ पे आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को प्रेस करना है, मतलब ऑल टूल्स लिखा होगा, उसे प्रेस करने के बाद इम्पोर्ट स्टाइल करके एक ऑप्शन होगा, उसे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक तो इंपोर्ट क्यूआर कोड लिखा होगा एंड एक स्कैन क्यूआर कोड लिखा होगा। मान के चलो मैंने जो अनजिप करा क्यूआर कोड को, आप उसे अपने पीसी या दूसरे फोन पे रखे हो, तो आप यहाँ स्कैन क्यूआर कोड को प्रेस करके उसे आप जस्ट स्कैन करके ही अप्लाई कर सकते हो, मतलब एडिटिंग के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने क्यूआर कोड डाउनलोड करा है अपने फोन पे ही एंड अपने फोन पे ही रखना चाहते हो, तो सिंपली इंपोर्ट क्यूआर को प्रेस करेंगे, जिसकी मदद से आप क्यूआर कोड को यहाँ अपलोड करके अपने फोटो पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे यार क्रिएट अकाउंट के लिए बोल रही है, तो सिंपली आपको यहाँ पे फेक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपको अपना ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी फेक जीमेल डाल दो, अपना नाम के आगे पीछे 2-4 लिख लो एंड @gmail.com लिख लो और पासवर्ड भी कुछ रैंडम डालो। बट कन्फर्म पासवर्ड के लिए आपको सेम पासवर्ड को डालना है, मतलब जो फर्स्ट में डाले वो सेकंड को डालना। ओके तो मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, कुछ ही सेकंड में अकाउंट क्रिएट हो जाती है एंड उसके बाद यहाँ फाइल मैनेजर ओपन हो जाती है। बट मेरे डिवाइस पे ये वाली ऐप क्लोज होके फिर से ओपन हो गई है, तो मैंने फिर से फोटो को ऐड करा है एंड अलग फोटो को ऐड करा है। तो यहाँ से मैंने फिर से फोटो को ऐड करके सेम ऑल टूल्स पे जाके इंपोर्ट स्टाइल को प्रेस करना है एंड यहाँ पे इंपोर्ट क्यूआर कोड को प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारे डिवाइस पे हमने डाउनलोड करा है। तो इसमें से आप कोई सा भी क्यूआर कोड को आप प्रेस करोगे, आपकी फोटो कुछ इस तरीके से एडिट हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्यूआर कोड को आप यहाँ पे स्कैन करो या तो इंपोर्ट करो, आपकी फोटो एडिट हो जाएगी। बहुत ही मस्त चीज है गाइस, चाहे आप बिगिनर्स एडिटर्स हो या फिर अच्छे खासे एडिटर्स हो, इसमें आपकी बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगी। तो चलो और कुछ ट्राई करके देखते हैं दूसरे वाली प्रीसेट्स को। तो जैसे कि मैंने अगला फोटो ऐड करके यहाँ पे सेम आपको जाना है ऑल टूल्स पे जाके इंपोर्ट स्टाइल पे जाके इंपोर्ट क्यूआर कोड को प्रेस करके यहाँ पे आपको कोई भी को अप्लाई कर लेना है, जो आपको टोन चाहिए या फिर जो कलर चाहिए, आप इसमें कोई सा भी चूज करके अपने फोटो को इजिली एडिट कर पाओगे। तो जैसे कि ये येलो टोन हो गया, आपको ब्लू टोन चाहिए, तो इस तरह से आप कमाल की एडिटिंग कर सकते हो सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन या इंपोर्ट करके। आपको देने के लिए कुछ ही क्यूआर कोड थे, जितने थे आपको मैंने दे दिया। मैं ट्राई करूंगा और बहुत सारे आप लोगों के लिए क्यूआर बना के दूं, अगर आप चाहते हो तो। आप प्लीज कमेंट करके बताना आपको लाइटरूम प्रीसेट ऐड करके एडिटिंग करना पसंद है या फिर इस ऐप पे क्यूआर कोड को इंपोर्ट करके एडिटिंग करना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अगर आपको और भी ज्यादा क्यूआर कोड चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 50 या भी 100 क्यूआर कोड दूंगा, अगर आप 200 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे। मैंने जानबूझकर बहुत कम लाइक्स टारगेट करा है, मेरे तो ऐसे 100-150 लाइक्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन आपको 200 लाइक्स आज ही कंप्लीट करना है, बाकी आप तो इतना अपने भाई के लिए कर ही सकते हो। एंड वीडियो कैसे लगे आप प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइटरूम प्रीसेट एंड फोटो वीडियो एडिटिंग ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।